हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले एक और हेल्दी न्यूट्रिशियस रेसिपी मेथी मटर पुलाव, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है और एकदम खिला खिला बनेगा। तो ऐसे टेस्टी यम्मी मेथी मटर पुलाव के लिए मैंने लिया है मेथी, ये 250 ग्राम है और ये एकदम छोटे पत्ते हमें लेने हैं, फ्रेश मेथी लीव्स। उसके अलावा एक कटोरी मटर है और एक कप चावल है, बासमती चावल है। और स्पाइसेस में जीरा है, अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले में मैंने दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च ली। उसके अलावा हरी मिर्च, एक तेज़पत्ता, ये काजू हैं और घी। उसके अलावा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है। सबसे पहले हम लोग चावल को अच्छे से धो के इसे आधे घंटे के लिए भीगने रख देते हैं। अभी चावल आधा घंटा हो गया है, मैंने आधे घंटे पहले इसे धो लिया था। अभी मैं इसे छन्नी में छान कर एक साइड रख दे रही हूँ। अभी मैंने रखा है एक पैन, आप चाहो तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अराउंड 2 टीस्पून घी, घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले। खड़े मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची और ये है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डाल के अभी मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ, थोड़ा खुशबू आते तक। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, काजू कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अभी मैं इनको थोड़ा सा भून ले रही हूँ। ये रेसिपी में मैं फ्रेश मेथी के पत्ते यूज़ कर रही हूँ, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। अगर आप बड़े वाले पत्ते लाते हों तो उसे धो के थोड़े से नमक पानी में भिगो के रख देना। ऐसा करने से मेथी का कड़वापन निकल जाता है। अभी मैं थोड़ा सा काजू गार्निशिंग के लिए निकाल रही हूँ। निकाल कर अभी सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डालकर मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ। भून के उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, जीरा 1 टीस्पून है। डालकर फिर से मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी के पत्ते। मेथी के पत्ते को मैंने काटा नहीं है, हाथ से तोड़ा है। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो मेथी थोड़ा सा कड़वा लगेगा। अब मेथी को मैं अच्छे से भून रही हूँ। तब तक इसको भुनना है जब तक कि ये सिकुड़ के कम नहीं हो जाता या पूरी तरह से भुन नहीं जाता है। मेथी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अभी मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट डाल के मैं थोड़ा सा इसको और भून रही हूँ। इस रेसिपी में मैंने प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो फ्राई करते समय प्याज भी डाल सकते हो और लहसुन का पेस्ट भी। उसके अलावा मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी जस्ट मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अभी मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल डाल के अभी हमें थोड़ी देर इसे और भुनना है और ध्यान ये रखना है कि चावल टूटे नहीं। अभी हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मेथी, चावल, मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन जाए। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मटर। फ्रेश मटर की जगह आप चाहो तो फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हो तो अभी डालना और भुनना। अगर आप फ्रोज़न मटर डालोगे तो पानी डालने के बाद जब पानी में बॉईल आएगा उस वक्त आप मटर को उसमें डालना, फ्रोज़न मटर को। अभी मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ। थोड़ा सा भून के इसमें मैं पानी डालूंगी। एक तरफ मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और अराउंड 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डाल के मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ। इसमें मैंने केवल मेथी और मटर का यूज़ किया। आप चाहो तो गाजर, गोभी, शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो या पनीर भी ऐड कर सकते हो। जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप उन्हें ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गरम पानी। हमें गरम पानी ही डालना है। मैंने जिस कप से चावल लिया था उस कप से मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाओगे तो आप 1.5 कप पानी डालना। पानी डाल के अभी मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से मिक्स करके फिर ढक के इसे मैं मीडियम हाई फ्लेम पर अराउंड 10 मिनट या तब तक जब तक कि पानी अच्छे से सूख नहीं जाता, पक नहीं जाता, तब तक मैं इसे पका रही हूँ। मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे पकाया है। अब मैं ढक्कन निकालकर एक बार मिक्स कर रही हूँ। अभी पूरी तरीके से ये पका नहीं, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, नमी है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके ढक के धीमी आंच पर और 5 मिनट तक के या तब तक जब तक के चावल पूरी तरीके से नहीं पक जाते तब तक मैं इसे पका लूँगी।
ये चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी लगेंगे। अभी 5 मिनट हो गया है, मैं इनको एक बार और मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चावल एकदम खिले खिले बनाए हैं। आप चाहो तो चावल पकाते समय बीच बीच में इसे मिक्स भी कर सकते हैं। अभी मैं एक चावल का दाना निकाल कर चेक कर रही हूँ, ये पका है कि नहीं पका। ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। अभी मैं इसको ढक दे रही हूँ और गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में, उसके बाद मैं इसे गार्निश कर रही हूँ फ्राइड काजू के साथ। अब आप भी ये टेस्टी यम्मी मेथी मटर पुलाव बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।